बता दें कि बीते दिन को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसी बीच डॉक्टर सहित रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस के शिवा प्रधान ने एम्बुलेंस की मांग मंत्री को से की थी, जिस पर मंत्री ने 24 घंटे के अंदर अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच जाने की बात कही थी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अमला सहित भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने नई एम्बुलेंस की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। जनता के लिए, जनता को समर्पित माननीय विष्णुदेव जी की सरकार समाज सेवा, जनसेवा के लिए लगी हुई है, इसका उदाहरण आज आप सबके सामने में है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जी का आगमन हुआ, आप लोगों के बीच शिवा प्रधान ने भी मांग रखी और जनता ने भी मांग रखी कि यहाँ ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस की आवश्यकता है जो नहीं थी, उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और जवान दिया कि कल आपके बीच में गाड़ी आ जाएगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो सामने है। आप सबके सामने में आज यह एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ है। धमतरी के लिए यह एम्बुलेंस बहुत काम की है और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस आप सबके बीच में यहाँ आई हुई है। और बहुत सारी जो यहाँ समस्याएं हैं उनके निदान भी माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने किए। और अतिशीघ्र जो आप लोग के बीच में आप ही मीडिया के भाइयों ने मांग रखी, मर्चुरी सेंटर जो है उसको नया बनाया जाए, वो भी उन्होंने स्वीकृति देने की बात की है। और अतिशीघ्र मैंने भी कहा है CMO CS को कि आप एस्टिमेट बना के दीजिए, इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। शेड की उन्होंने घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव सरकार साय साय काम कर रही है और जो भी मूलभूत जरूरत होगी धमतरी के लिए हम उसको पूरा करेंगे, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी।